जमाने की कसम, तमाम इंसान खसारे में हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने एक दूसरे को हक की नसीहत की, जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अहमद और आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन खबरों पर तबसरों और तजियों का प्रोग्राम ज़माना गवाह। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में तकरीबन 2 अशरों पर मुहित जंग और 4 अशरों पर मुश्तमिल फसाद और बदअमनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 2 बरस तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद फरवरी 2020 में अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत अफ़गानिस्तान में रोशन कहीं बहार के इम्कान हुए तो हैं कि मिस्ताक अमन की शमा रोशन होने ही लगी थी कि अमेरिका में रजीम चेंज के फौरन बाद ये ऐलान कर दिया गया कि हम अफगान तालिबान के साथ किए गए अमन मुआहदे पर नज़रसानी करेंगे। लिहाजा अमेरिका की इस नई पॉलिसी के तहत चंद दिन पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान सदर को एक ख़त लिखा है जिसमें अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए एक नया और तफसीली मनसूबा पेश किया गया है। इस अमन मनसूबे के हदोहाल और अगराज व मकासद क्या हैं, इसकी तफसीलात जानना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ग्राउंड रियलिटी यह है कि तवील मुज़ाकरात में कोई ख़ातरख़्वाह कामयाबी नज़र नहीं आ रही, जबकि दूसरी तरफ अफगान तालिबान की जंगी कार्रवाइयों में बहुत तेज़ी आ चुकी है। इन हालात में नया अमरीकी अमन मनसूबा अफगान अवाम के लिए उम्मीद की किरण साबित होगा या खुदा नखास्ता अफगानिस्तान की मज़ीद तबाही बर्बादी का पेश खैमा बनेगा। इस मुज़बर तफसीली गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं तर्जमान तंज़ीम इस्लामी जनाब मिर्ज़ा अय्यूब बेग साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तंज़ीम इस्लामी के रिसर्च स्कॉलर जनाब रज़ाउल हक़ साहब। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रज़ाउल हक़ साहब, ये फरमाइए कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से अफगान सदर के नाम लिखे गए ख़त में क़याम अमन के लिए कौन सा नया मनसूबा पेश किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वसीम साहब। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एंथनी ब्लिंकन, उसने एक ख़त जो है वो अफ़गानिस्तान में अफ़गान सदर जो है अशरफ गनी और वहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके अब्दुल्ला अब्दुल्ला, उन दोनों को लिखा है जी। ख़त की तफसीलात के बारे में तो मैं बाद में जिक्र करता हूँ, जो कि वहाँ की अफ़गानिस्तान की टोलो न्यूज़ एजेंसी, टीवी न्यूज़ एजेंसी है बेसिकली, उसने लीक किया, ये अमेरिका ने लीक नहीं किया, ये अफ़गानिस्तान की तरफ से लीक हुआ वहाँ की न्यूज़ एजेंसी की तरफ से, और फिर उसके बाद ये बात सामने आई कि ये ख़त था, मौजूद था। लेकिन जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है कि क्या वहाँ पे क़याम अमन के लिए कोई मंसूबा बनाया जा रहा है या नहीं, तो थोड़ी सी इसकी अगर हिस्ट्री ट्रेस कर लें तो नाज़रीन के लिए भी मुफीद साबित होगी जी। तो वसीम साहब, जैसा कि ओबामा के दौर के अंदर ये बात सबसे पहले सामने आई कि अफगान तालिबान के साथ अब शायद अमन मुज़ाकरात की तरफ अमरीका जा रहा है, क्योंकि हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है इसलिए हम पूरी तफसील में तो नहीं जा सकते, तो हम बहुत शॉर्ट अंदाज के अंदर उस सारी बात को रिकैप करेंगे एक तरह से जी। फिर 2016 के अंदर हमने देखा कि जो ओबामा दौर के अंदर ही उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी हिलरी क्लिंटन, उसने एक पिवट ऑफ एशिया पॉलिसी अमेरिका की दी कि हमारे आइंदा के जितना महवर और मकसद होगा वो सारे का सारा एशिया होगा। अब उसमें एशिया जो है उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल था, अफ़गानिस्तान का मसला, मैं उसके मसले की बात कर रहा हूँ, उसमें चाइना और रशिया, रशिया तो खैर 2 बड़े आज़मों पर मुहित है लेकिन ज़्यादातर हिस्सा तो उसका एशिया में ही है, रशिया और चाइना ये दोनों भी इन्वॉल्व थे, उसमें पाकिस्तान और इंडिया वाले मामलात भी पूरे के पूरे थे, यानी हमारा खित्ता जो है, फिर उसमें मिडल ईस्ट वाले मामलात भी थे और फिर अमेरिका के चहेते इसराइल वाले मामलात भी थे। तो ये सारे का सारा पिवट ऑफ एशिया पॉलिसी उन्होंने अपनी पूरी दी और उसी की बेसिस पर वो आगे बात को ले कर चलते रहे। जहाँ तक अफगान तालिबान के साथ बातचीत का जिक्र आता है तो वो फिर ट्रंप दौर के अंदर हम देखते हैं कि वो ज़्यादा बात आगे बढ़ी और उनका जो ट्रंप का एक स्टेटमेंट था, एक पॉलिसी थी कि मैं ये पीस करवाना चाहता हूँ, नेगोशिएशन करवाना चाहता हूँ, और फिर वो हम इस सूरत हाल में नेगोशिएशन हुई कि अल्टीमेटली दोहा के अंदर 2020 में वो उसका अफगान अमन माहदा जिसे वो कहा जाता है वो एक तय पा गया। यानी वो मुज़ाकरात तकरीबन 2 साल तक चलते रहे, तकरीबन 2 साल उसके बाद फरवरी 2020 में जैसे आप फरमा रहे हैं कि मुआहदा तय पा गया। बिल्कुल एग्जैक्टली फरवरी 2020 में मुआहदा तय पा गया, लेकिन मुआहदा तय पाने के बावजूद जो अमेरिका के अंदर हॉक्स कह लें उनको, नियोकॉन्स उनकी जो एक डीप स्टेट है वो इस चीज़ से खुश नहीं थी पहले दिन से ही उन मुज़ाकरात से। हालांकि आप देखते हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जगह जगह जाता रहा, मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान भी आया, वो अफगानिस्तान भी गया, वो दोहा भी गया और जगहों पे भी गया, इस पूरे मुज़ाकरात को अमेरिका की तरफ से उसने लीड किया
और जो अफगान तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात थे उसके अंदर तो अफगान कठपुतली हुकूमत जो अशरफ गनी की थी वो तो मौजूद ही नहीं थी उसके अंदर। लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद के बारे में भी ये बात याद रहनी चाहिए कि वो भी डीप स्टेट का ही नुमाइंदा है, वो उस दौर में भी था, वो अब भी मौजूद है, लेकिन वो इन मुज़ाकरात के लिए भागदौड़ भी कर रहा है, भागदौड़ भी कर रहा है। जिस वक्त अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पे हमला किया था तो ज़ल्मे खलीलज़ाद अमेरिका का सफ़ीर था अफगानिस्तान में। जिस वक्त अमेरिका ने इराक पे 2003 में हमला किया तो वो इराक का सफ़ीर था। उसकी जो बीवी है वो शरल बर्नर्ड जो है वो रैंड कॉरपोरेशन की वो रिपोर्ट लिखने वालों में से एक है। मज़े की बात ये है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद है भी अफगानी, तो है भी अफगानी जी, और वो रैंड कॉरपोरेशन की उसने रिपोर्ट लिखी है बकायदा, जिसके अंदर जिक्र था कि ये मॉडर्निस्ट हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं और ये साइकिलिस्ट, पर वो लंबी तफसीलात हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी ये जो दोहा पीस प्रोसेस था उसके अंदर बातें हुई थी, बाद में ये बात साबित हुई कि उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब ट्रंप रिजीम तो चली गई और उसकी जगह बाइडन आ गया, लेकिन डीप स्टेट वहीं पे मौजूद है। वो पहले भी नहीं चाह रही थी कि यहाँ पे अमन मायदा हो किसी भी सूरत का, वो अब भी नहीं चाह रही कि अमन मायदा हो, चाहे बज़ाहिर किस तरह का भी खत और किस तरह के भी वहाँ पे मंदरजात खत के सामने आ रहे हों। और खैर उन मंदरजात को जब हम पढ़ते भी हैं तो हमारे सामने ये बात आ जाती है कि ये बेसिकली एक डिलेइंग टैक्टिक के तौर पे यूज़ हो रहा है, इस एरिया के अंदर मजीद इंतशार फैलाने के लिए यूज़ हो रहा है। अब वो जो ख़त सामने आया जिसका जिक्र आपने पहले फरमाया, उस ख़त के अंदर एंथनी ब्लिंकन ने चार बातों का जिक्र किया नए रोड मैप के मुताबिक। ठीक, पहली बात ये थी कि वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बातचीत होनी चाहिए जिसमें रूस के, चीन के, पाकिस्तान के, ईरान के और इंडिया के वज़राए ख़ारजा मिलें समेत अमेरिका के, और वो इस मामले पे बातचीत करें। ठीक है, अब ये कि पहले से ही तयशुदा चीज़ें बहुत सारे फार्मूलाज जो थे उनको उन्होंने दोबारा ज़ीरो पे ले आए हैं और नए सिरे से बातचीत शुरू करना चाह रहे हैं। पहले तो ये था ना कि अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत मिल बैठे और को मामला का हल निकालें, अब उन्होंने इतने ज़्यादा वज़राए ख़ारजा का वो कर दिया कि इतने ज़्यादा लोग मिलेंगे तो फिर कोई हल निकलेगा, फिर कोई हल निकलने के चांस। एक उनके उसका पॉइंट ये है नए उनके प्लान का। अच्छा, दूसरा प्लान ये है कि वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह भी हो सके सीज फायर और सेटलमेंट करवाओ और यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ जाओ, यानी कि मिल के गवर्नमेंट करो, छोड़ो अपने अफगान तालिबान को भी, वो ये बात कह रहे हैं और अशरफ गनी को भी कह रहे हैं। अशरफ गनी को तो खैर कोई मसला ही नहीं है, अशरफ गनी के लिए यूनिटी गवर्नमेंट क्या, वो तो गवर्नमेंट में आ जाए तो बड़ी खुशी की बात है उसके लिए। अफगान तालिबान को वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो अपनी इस्लामी अमारात की बात करते हैं इसको छोड़ दें, अवामी हुकूमत बनाएं, कोलिशन करें, बस साथ मिलना है आपने उनके। दूसरा पॉइंट ये होगा उनके मुताबिक। तीसरा ये है कि अब ये जो दोहा के अंदर आपके इल्म में होगा जिस तरह के इंटर अफगान डायलॉग जो था उसमें भी कुछ एक दो राउंड्स हुए थे, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जो अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत कठपुतली अफगान हुकूमत है उनके सीनियर लेवल के टॉक्स होने चाहिए अंकारा में, तुर्की में। तुर्की ने भी हामी भर दी है, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ठीक है हम ये टॉक्स कराने के लिए वेन्यू चेंज कर रहे हैं दोहा टू अंकारा सिर्फ इंटर अफगान डायलॉग के लिए। तीसरी बात ये इस खत में लिखी गई है, और चौथी बात उन्होंने ये लिखी गई है कि 90 दिन के लिए वायलेंस रिडक्शन का कोई एक फार्मूला तय किया जाए, जो कि पहले भी दो तीन मरतबा वो ये डिलेइंग टैक्टिक यूज़ कर चुका है अमेरिका। वायलेंस किसको कहते हैं, वो बेसिकली इसी को कहते हैं ना कि जो अफगान तालिबान है वो एक इलीगल ऑक्यूपेशन है अमेरिका की, उसके तहादियों की, फिर अफगान हुकूमत कठपुतली मौजूद है उनके खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जो भी करते हैं, वो कहते हैं कि इसको बंद, वो वायलेंस है, अमेरिका जो हमले करता है वो वायलेंस नहीं होता। हाँ। उनके नज़दीक ये है कि हम यहाँ पे जायज तौर पे मौजूद हैं, अमेरिका यही समझता, अभी भी यही समझ रहा है हम जायज तौर पे मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये चारों बातें उन्होंने सामने लेके रखी। अब साथ उन्होंने ये इस खत में लिखा है कि उन्होंने बज़ाहिर जो देखने में आता है सामने वो ये है कि थ्रेट दिया है अशरफ गनी को। थ्रेट क्या दिया है अशरफ गनी को कि अगर आप अफगान रजीम जो है वो अफगान तालिबान के साथ मिल के कोई हुकूमत नहीं बनाती देन अफगान तालिबान विल ओवर रन यू, थ्रेट दिया और हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। सही, और इसका मतलब ये था कि वो चाह रहे हैं कि इस इलाके में किसी ना किसी तरीके से भी फसाद मजीद फैले, अमेरिका की शुरू से पॉलिसी यही नजर आती है। अब वो इंडिया को दोबारा इन करने की हमारे कठपुतली जो है वो भी पावर में रहें, पावर में रहें, क्योंकि जो इंडिया को दोबारा अंदर दाखिल किया जा रहा है उसका मकसद ये है कि उनको मालूम है कि अफगान तालिबान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान भी शायद एक्सेप्ट ना करे इस चीज़ को, बल्कि बहुत ज़्यादा इम्कान हैं।
तो जब ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। जब मामला आगे नहीं बढ़ेगा इसका मतलब है कि वहाँ पर अफरा तफरी फैली रहेगी। एक तो उनकी चीज़ ये है। दूसरी बात यह है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इस इशू में है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी चंद दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है कि अमेरिका जो है उसके जो बयानात हैं इस बारे में कि हमने ट्रूप्स काफ़ी हद तक विड्रॉ कर लिए हुए हैं वो हकायक पर मबनी नहीं है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा जा रही है बात। ठीक। असल में अमेरिका के अभी भी बहुत सारे फौजी मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये झूठ बोला जा रहा है, झूठ कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारे फौजी निकाल लिए हैं। यकीनन अफगान तालिबान के इल्म में भी बात होगी। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि ये नया क्याम अमन का सो कॉल्ड प्लान है, ये हकीकत में उसको तूल देने के लिए, मज़ीद ज़्यादा फंसाने के लिए दलदल में उस पूरे इलाके को, पूरे खित्ते को। और ये कि यहाँ पे एक तरह से अब यूँ कहें कि जो जंग के शोले हैं जिस तरह भड़क रहे हैं, भड़कते रहें, मज़ीद भड़कते रहें, वो इसके लिए अमेरिका की एक कोशिश नज़र आती है। ठीक। अयूब बेग साहब, जब हम इस ख़त का जिक्र करते हैं तो ये ख़त जो है अमेरिका इसको ओन नहीं कर रहा, उसने डिक्लेयर नहीं किया कि हमने वाकई ये ख़त लिखा है, ना ही वो मान रहे हैं। इसके मुकाबले में अफ़गानिस्तान में जब ये खबर आई है तो उसके बाद अफ़गान सदारती महल ने इस ख़त की तस्दीक की है रिसीव होने की। इसके अलावा जो अफ़गान नायब सदर हैं अमरुल्लाह सालेह साहब, उन्होंने इस ख़त के मुदरजात को क्रिटिसाइज़ किया है और रिजेक्ट किया है, बल्कि इस ख़त की कापी जो है वो BBC को भी रिसीव हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से, अफ़गान हुकूमत की तरफ से कोई ऑफिशियल मौक़िफ़, कोई ऑफिशियल रिएक्शन जो है वो नहीं आया, और इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से भी इस ख़त के हवाले से कोई रिएक्शन नहीं आया। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, असल में ये उस डीप स्टेट के मंसूबों की अक्कासी करता है ये ख़त, कि असल में उसके मंसूबे हैं क्या। मेरी नज़र में अमेरिका की जो डीप स्टेट है उसने इसलिए मदद की, या मैं कह सकता हूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि उनका ये काम सारा उन्हीं ने कर दिया, लेकिन ट्रंप को निकालने में और जो बाइडन को लाने में ये बात थी कि ट्रंप उनकी लाइन पे नहीं चल रहा था। जो डीप स्टेट ने लाइन दी थी ना, उस पे लाइन पे नहीं चल रहा था, वो इसमें तेज़ी ला रहा था, वो जल्द इनखला चाहता था, और डीप स्टेट जो अमेरिका का जो पेंटागन है वो ये मामला नहीं चाहता था, इसलिए मेरे ख्याल में ये तब्दीली में ये भी एक वजह है। देखिए, इसका बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि ये तमाम मामला जो हैं, ये दोहा जो माहदा था ना, उसके बरक्स मामला आते आ रहे हैं। उसमें पहले भारत का कोई जिक्र ही नहीं था, अब भारत को उसमें लाया जा रहा है, जगह बदली जा रही है। वो तो सर ये है ना कि जो बाइडन जब नई हुकूमत आई है तो उन्होंने आते ही कह दिया था कि हम जो दोहा में वायदा हुआ है उसको रिविजिट करेंगे, तो वो तो कर रहे हैं। और सब बातों की बात जो है कि अमरीका समझता है कि मैं खित्ते का बादशाह हूँ, शहनशाह हूँ, मैं खित्ते का खुदा हूँ, जंगल का बादशाह, मैं बादशाह जंगल का नहीं, सारे बरोबाहर का बादशाह हूँ मैं, मेरी मर्ज़ी के बगैर क्या हो सकता है, ये जाहिर करती है बात। लेकिन देखिए, ये बात अमेरिका की किसी हद तक सही थी उस वक्त जब अमेरिका ने सोवियत यूनियन को शिकस्त और रेस से दो चार किया था, सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया था, उसके टुकड़े हो गए थे, अच्छा वेस्ट पहले साथ था, चाइना की अभी वो हैसियत नहीं बनी थी, तो वाकईतन ये कहा जा सकता है कि अमेरिका वाहद ताकत थी जिसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता था। अगर महावर्तन कहा जाए तो उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता नहीं जुम्बश कर सकता था, महावर्तन। असल में बात यह है कि अमेरिका के जहन से ये खनास अभी भी नहीं निकल रहा, जबकि इन 20 सालों में, गुज़िश्ता 20 सालों में इस खित्ते में ख़ास तौर पर, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, अमेरिका यकीनन अब भी सुपर पावर है, लेकिन इस खित्ते में उसकी ताकत, उसका असर रसूख वो नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले था, जिसकी बुनियाद पे वो अपने आप को यहाँ का मालिक समझता है। अब उसके मुकाबले में एक कुव्वत उभरी है और बड़े ज़ोरदार अंदाज में उभरी है, ज़ाहिर है चाइना उभरा है, अमेरिका के रोकने के बावजूद उभरी है सामने। अब अमेरिका की वो ताकत नहीं है कि वो ये समझे कि मेरी मर्ज़ी बगैर यहाँ पता जुम्बश नहीं कर सकता। तो एक तो ये अमेरिका का ये समझना जो है ना, वो ये उस ख़त के मंदरजा ज़ाहिर करते हैं कि अमेरिका भी ये समझता है अपने आप गलतफहमी में, इस गलतफहमी में है, या यूं भी कह लीजिए कि क्योंकि अमेरिका ये अगर समझता भी होगा ना कि मैं अब वो ताकत नहीं रही, तो असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है
के डिस्टर्बेंस कायम रहे, बेचैनी रहे, यहाँ कत्ल गारत होता रहे, यहाँ खून रेजी होती रहे, ताकि अगर मेरे मकासद यहाँ हल नहीं होते, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ मामलात को नहीं चलाया जाता, कोई और भी दखल ना दे सके, यह भी मुमकिन है। ये बात ठीक है कि इसके इसमें अशरफ गनी को भी एक धमकी दी गई है। अशरफ गनी बेचारे को क्या धमकी दे रही है, उससे तो वहाँ से अमेरिका में बैठकर बगैर स्पीकर लगाए कहेंगे ना हट जाओ, तो वो हट जाएगा। उस बेचारे की क्या हैसियत है, और उसके वो इस वक्त तो स्ट्रांग स्टेक होल्डर बना हुआ है ना, जाहिरन वो अपनी हैसियत समझता है, अमरीका उससे जाहिर करवाता है, अमरीका कहते हैं तुम अपने आप को जाहिर करो मैं तुम्हारे पीछे हूँ, लेकिन जब अमरीका हकीकतन पीछे हट जाएगा तो बस वो यूं ही गिरेगा, जैसे किसी स्टैचू को आपने ज़रा खड़ा किया होता है हाथ का सहारा देकर, आप हाथ खींच लेते हैं बुत गिर जाएगा, उसका हैसियत तो वो है। खत के रिएक्शन के हवाले से बताइए कि कोई रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं आया। देखिए पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान तो दिया है, खत का वाला देकर नहीं किया। देखिए पाकिस्तान के स्टेक्स क्या हैं अफगानिस्तान में, दो हैं। नंबर वन ये है कि यहाँ इंडिया का कोई दखल नहीं होना चाहिए, इंडिया की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, नंबर वन, और जो बड़ी जायज़ है, बड़ी दुरुस्त है। दूसरा ये है, वो पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत आए प्रो पाकिस्तान हो, जिसकी भी हो, चाहे अफगान तालिबान की आए या चाहे किसी और की आए, जिसकी भी आए वो प्रो पाकिस्तान हो, वो प्रो इंडिया ना हो। लिहाजा उन्होंने जो वजारत खारजा ने जो बयान जारी किया है उसमें खत का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इंडिया की शिरकत पर शदीद इतराज़ किया। कहा यह जा रहा है कि ज़ल्मे खलीलजाद साहब का जो हालिया दौरा था जिसमें वो आर्मी चीफ से भी मिले हैं, उसमें भी वो इसी जो पीस प्रोसेस वो लेके आ रहे हैं उसके हवाले से जो है वो उनको उन्होंने ब्रीफ किया और उसको इत्माद में लेने की कोशिश की गई है, ये जो हालिया मुलाकात थी, कहा ये जा रहा है आपके पास क्या है? ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो कहने को तो अफगानी है, असल में वो अमरीकियों से बढ़कर अमरीकी है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि वो जब वो डीप स्टेट की बात हो रही थी कि जी पहले मुजाकरात करें, मुजाकरात किए उन्होंने ट्रंप दौर में, ठीक है, वो मुजाकरात जब किसी बेल मंडे चढ़ने लगी है तो अब इन्होंने कहा जी नहीं हम तो मुजाकरात को दोबारा उस पर नज़रसानी करेंगे, तो अब वो उसके वकील बन के खड़े हैं। भारत वो अपने अफगान का मैं समझता हूँ, पाकिस्तान अफगान के जो नुमाइंदे हैं सूसी नुमाइंदे वो तो रोल अदा कर रहे हैं अपना। मैं समझता हूँ असल में वो डीप स्टेट का नुमाइंदा है और जिस तरह वो कहती है उस तरह, इसलिए कोई फ़र्क वाकई नहीं हुआ ट्रंप के जाने से या जो बाइडन के आने से खलीलजाद की हैसियत में, और असल में उन्हें अमरीकियों का या यहूदियों का उसको मफाद अजीज़ है, उसके मुताबिक वो चलते, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रंप है या बाइडन है। लिहाजा मैं समझता हूँ ये यहाँ आप एक बात को और ख्याल रखें, यहाँ मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियाँ बहुत काम कर रही हैं, रा है, CIA है, मुसाद है, ये भी बहुत काम कर रही हैं और मामलात को अमेरिका और इसराइल के हवाले से आगे बढ़ाना चाहती हैं, इसलिए इंडिया को आगे करने की कोशिश की जा रही है, इंडिया को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस खत का मकसद तो ये है कि मामला अमन की तरफ नहीं जाएगा। ठीक, रज़ाउल्लाह साहब, दोहा मुआहदे के तहत ये तय पाया था कि अमेरिकन फ़ौजें जो हैं वो मई 2021 में अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पे उनका इनखला हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि नई अमरीकी इंतज़ामिया जो है इस मुआहदे की पासदारी करेगी? वसीम साहब, इस सवाल का मुख्तसर जवाब तो यह है कि नहीं करेगी। ठीक, डिटेल के अंदर अगर हम जाएं तो उसकी रीज़न्स देखनी पड़ेंगी क्यों नहीं करेगी ऐसे वो, और उसके लिए सबसे पहली बात हमें यह देखनी पड़ेगी कि अमरीका यहाँ पर मौजूद क्यों है, अमरीका एशिया में मौजूद क्यों है, और फिर ज़्यादा स्पेसिफ़िकली अगर देखना चाहें तो अफ़गानिस्तान में क्यों मौजूद है। देखें, एक तो अमेरिका का अपनी बालादस्ती का मामला है और वो एक रीज़न उसकी बनती है कि वो अपनी बालादस्ती हर सूरत में चाहते हैं, जिस तरह बेग साहब भी फरमा रहे थे कि चाइना के हवाले से और पूरे खित्ते के हवाले से अमेरिका और उसके साथी जो हैं वो बालादस्त रहें हर सूरत में। दूसरा, फिर बालादस्ती से ज़्यादा खित्ते में प्रेजेंस आप कहें तो ज़्यादा मुनासिब नहीं? प्रेजेंस से तो बालादस्ती वो हासिल करेगा ना, फिर अल्टीमेटली प्रेजेंस का उसको क्या फ़ायदा है अगर सिर्फ प्रेजेंस ही रहे और बाकी उससे ताकतवर बन जाएं और बाकी जो है सारे फ़ायदे लेते जाएं। लेकिन अफगानिस्तान में बालादस्ती हासिल करना भी तो कोई वो इतना उसकी रीज़न्स है ना, फ़ायदे का सौदा नहीं है ना।
देखें अफगानिस्तान में बालादस्ती, अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है पूरे इलाके के साथ, पूरे खित्ते के साथ। अफगानिस्तान किसी वैक्यूम में नहीं है, अफगानिस्तान भी उसी जगह मौजूद है जहाँ पे पाकिस्तान भी मौजूद है, चीन भी मौजूद है, इंडिया भी मौजूद है। तो बहरहाल ये सारा खित्ता एक ब्लॉक की सूरत में यहाँ पर मौजूद है। अमरीका इस पूरे ब्लॉक में बालादस्ती चाहता है, उसमें एक वजह यह भी है कि वो अपनी सुप्रीमेसी क्योंकि इस एरिया में चाहता है, इसलिए वो जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। दूसरा इसराइल फैक्टर, इस तरह के अयूब साहब ने जिक्र फरमाया कि वो इसराइल फैक्टर जो है वो फिर ये जब मिडल ईस्ट से स्टार्ट होते हैं तो फिर अल्टीमेटली यहीं पे आके ख़त्म होती है वो बात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो उसको भी सेव करने के लिए और उसके फ्यूचर के लिए पेशबंदी करने के लिए वो यहाँ पे मौजूद है। तीसरा ये है कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान में मादनियात और बाकी चीज़ें मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म की मौजूद हैं, और फिर ये है कि यहाँ पर चाइना और रशिया का जो फैक्टर है उसको भी काउंटरैक्ट करने के लिए अमेरिका की यहाँ मौजूदगी एक रीज़न बनी उसकी यहाँ पे आने की। और एक फैक्टर ये इस्लाम फैक्टर जिसे आप कह सकते हैं, अमेरिका को बहरहाल ये तो मालूम है कि यहाँ पे अफगान तालिबान की हुकूमत रही और उसके एक आने की वजह बेसिक थी ही है कि यहाँ पे अफगान तालिबान की जो एक इस्लामी हुकूमत बनी हुई है और वो अब अपनी पावर गेन कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, कहीं वो एक्सपोर्ट ना होना शुरू हो जाए, वो तरीका है वो निज़ाम जो है वो कहीं एक्सपोर्ट होना ना शुरू हो जाए, तो उनके नज़दीक ये था निप द ईविल इन द बड, इसको पहले ही ख़त्म कर। पर ये वो मुख्तलिफ रीज़न्स थी जिसकी वजह से अमेरिका यहाँ पे आया। अब जब हम इसको देखते हैं और साथ ये मिलाते हैं कि इस वक्त मौजूदा जो जो बाइडन की टीम है उसके अंदर किस तरह के लोग मौजूद हैं, तो ये चीज़ भी हमें मदद देती है इस चीज़ को समझने के लिए, क्या वो इंखलाब की तरफ जा रहे हैं, क्या वो मायदे की पासदारी करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि जो पहले वाले जिक्र किए मैंने मामला जिसकी वजह से अमेरिका आया, वो तो उनको हासिल करने के लिए यहाँ पे मौजूद रहेगा। साथ ये है कि उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन है, उसका उसका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वो जो है लॉयड ऑस्टिन है, ऑस्टिन थर्ड जो है जी, जो उसकी जो वॉर रूम की टीम होती है उसके अंदर मिशेल फ्लोरनी भी है, उसके अंदर सूजन राइस भी है, दोनों बहुत हॉक्स और नियोकॉन्स टाइप के लोग हैं। जॉन कैरी भी मौजूद है, हालांकि उसको एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री दी हुई है लेकिन वो सबको मालूम है कितना करीब ओबामा के रहा है, जंगों के रहा है और कितना करीब इसके रहेगा, अनऑफिशियल कैपेसिटी में कम अज़ कम करीब रहेगा। और फिर ये कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैसा जेक सलवन है उसका, ये सारे के सारे हॉक्स भी हैं, नियोकॉन्स भी हैं और यहूदी निजात भी हैं, यहूदियों को पसंद भी करते हैं और उसके लिए फ़ाइट भी करते हैं बहुत ज़्यादा। ट्रंप दौर के आखिर से ही हम देखना शुरू करते हैं कि अमेरिका ने कतर मायदा जो हुआ था, दोहा मायदा जिसे हम कहते हैं, उसकी वायलेशन शुरू कर दी हुई थी। अमेरिकी फजाइया ने वहाँ पे हमले करने भी शुरू कर दिए हुए थे अफगान तालिबान, जो कि उसमें लिखा हुआ था नहीं करेंगे, मायदे के तहत ये तय पाया था कि हमले नहीं करेंगे, खिलाफवर्जी कर रहे थे। साथ ये कि जो अफगान तालिबान की मुख्तलिफ शरायत थी अफगान तालिबान की तरफ से पेश की हुई जो उन्होंने मानी थी, उन पे भी उन्होंने बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया हुआ था। मसलन ये कि इस्लामी हुकूमत कायम होगी, मसलन ये कि तुम सारी फौजें निकालोगे तो कहीं फिर प्रोसेस शुरू होगा। अफगान तालिबान ने तो उनको कुछ कंसेशंस भी दी बहुत सारी कि ठीक है अगर सारी फौजें जितनी गई गई थी, क्योंकि अब न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल जिस मैंने पहले भी हवाला दिया वो बता रहा है इस चीज़ को कि उन्होंने सारी फौजें उतनी नहीं निकाली जितनी वो कह रहे थे और दुनिया के सामने उस चीज़ का प्रमोट कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे कि हमने इतनी फौजें निकालनी हैं, 2500 रह गई हैं वो भी निकाल लेंगे यकम मई तक, लेकिन वो नहीं निकाल रहे थे। इसके बावजूद उनको कंसेशंस दिए इस मामले में कि ठीक है हम बात को अमन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, अफगान तालिबान का तो ये मामला था, लेकिन अमेरिका किसी सूरत में नहीं चाहता था, इंडिया किसी सूरत में भी चाहता था, बेग साहब पहले जिक्र कर चुके हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद थी वहाँ पर। फिर ये कि बहुत सारे और नॉन स्टेट एक्टर्स भी मौजूद थे, इस वक्त तफसील का वक्त नहीं है उस हवाले से। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अफगान तालिबान एक्सेप्ट कर सकते थे जिस तरह ये कंसेशंस दी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं अफगान तालिबान के लिए। मिसाल के तौर पे उनकी पूरी 20 साल की जद्दोजहद जो है वो ऑक्यूपेशन ट्रूप्स को निकालने के लिए, इस्लामी निज़ाम को दोबारा रिवाइव करने के लिए, अगर उनकी नई शर्त ही ये आना शुरू हो जाए कि नहीं अभी ट्रूप्स हमने नहीं निकालनी, और साथ ये कि नहीं तुम ये जो इस्लामी हुकूमत की बात छोड़ दो यूनिटी गवर्नमेंट में शामिल हो जाओ, तो फिर वो 20 साल की जद्दोजहद का क्या फ़ायदा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेड लाइन अफगान तालिबान के लिए भी हैं, जैसे बेग साहब जिक्र फरमा रहे थे अमेरिका अभी भी यही समझता है और कहता है कि मैं डिक्टेट करूंगा टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन अफगान तालिबान के लिए ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। वो कहते हैं कि अगर तुम डिक्टेट करने की पोजिशन में हो तो ठीक है वी विल गो बैक टू वॉर, हम पहले भी जंग कर रहे थे हम अभी भी करते रहेंगे जंग, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू एक है। बहरहाल तो अमेरिका की प्रेजेंस मोर देन वन रीजंस थी उसकी, साथ ये कि अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट पैसे की सूरत में नहीं मैं कह रहा, वो जो उसने अपने 18 साल में या इससे ज़्यादा में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है
रिसोर्सेज की सूरत में, अपनी बेसिस की सूरत में, फिर इलाके के खत्ते के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, जो उसकी प्लानिंग का फ्यूचर के अंदर रोल है इस इलाके का, जो वो सोच रहा है समझ रहा है, उस चीज़ को भी सामने रखें। और ये कि अमेरिका हकीकत में यहाँ कभी पीस चाहता ही नहीं था, जो कि जाहिर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोगों को, हम तो शुरू से ही ये कह रहे थे इस फोरम के तहत भी, हम कहते रहे अमेरिका तो पीस चाहता ही नहीं है इस बात को, लेकिन ये चीज़ अब जाहिर होना शुरू हो गई है मजीद उनके अपने बयानात और अपने रवैये के साथ भी। तो बहरहाल ये बात कहना अब बेदर्ज क्यास नहीं है कि अमेरिका जो है वो अपने जो मायदे उसके जो हैं, जो भी उसने यहाँ पे अपने मायदे किए थे, उनकी पासदारी नहीं करेगा, यकीनन ऐसे ही लग रहा है कि वो नहीं करेगा, और वहाँ पे किसी सूरत में अमन का ख्वाहिशमंद नहीं है अमेरिका। ठीक है युबेक साहब, ये बताइए कि चार ममालिक का इतिहाद जो है, जिसमें अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, जिसे क्वाड कहा जा रहा है, और चंद दिन पहले इनके सरबराहान की एक टेलीकॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें जो बाइडन भी और नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की है, और इसी तरह बाकी सरबराहान ने भी, ज़ाहरी तौर पे तो इस क्वाड का जो कॉन्फ्रेंस में जो मौजूद डिस्कस हुए हैं वो तो हुए हैं कि जी वैक्सीन की तैयारी, उसकी तकसीम, मौसमियाती तब्दीली और टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ रुझान जो है, ये हैं ज़ाहरी तौर पे। आप ये बताइए कि ये पहले बात ये कि ये चार ममालिक का इत्तेहाद जो है ये क्या है, इसके क्या अगराज व मकासद हैं, और फिर इस खित्ते के हवाले से, हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, इस क्वाड के पेश नज़र जो है वो क्या कुदर पर्दा मकासद क्या हैं उसके, और क्या अहदाफ हैं उसके? ये वसीम साहब, उसमें क्वाड्रेटरल स्ट्रेटजी डायलॉग का मुखफ्फ है जी, यानी चार मुल्कों का, चार ममालिक का इत्तेहाद, और जैसे कि अभी आपने उनके नाम ले दिए हैं, अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। अगर इन मुल्कों के नाम पर आप गौर करें तो इनके इत्तेहाद की वजह उस गौर करने से भी आपके सामने आ जाएगी। मसलन इसमें से अमेरिका तो हुआ ना बादशाह जी, उसने तो हर जगह टांग रानी है, उसका मामला ये है। ऑस्ट्रेलिया और जापान का ताल्लुक चाइना से समुद्री है, और भारत का ताल्लुक चाइना से ज़मीनी है। बात हमारे सामने ये आई कि ये बादशाह जो है अमेरिका, ये एक तरफ से जापान और ऑस्ट्रेलिया की मदद से चाइना का समुद्री घेराव करना चाहता है, उसका समुद्री मुहासरा करना चाहता है, और जाहिर है वो अपने बहरी बेरों की तरह खुद भी मौजूद होगा, उसकी उनकी मदद से ही होगा ना, लेकिन असल में तो जापान और ऑस्ट्रेलिया को लगते हैं। और दूसरी तरफ भारत का क्योंकि ज़मीनी ताल्लुक है चाइना के साथ, तो भारत के ज़रिए चाइना का ज़मीनी घराव करना मकसूद है भारत के ज़रिए। एक वजह तो ये सामने आ, बिल्कुल ये आई वजह, असल में वजह यही है। उससे क्या होगा, भारत से जब तसादम का मामला होगा, भारत जब घेराव करेगा तो उस सी पैक और बीआरआई जो है उसके रास्ते में रुकावट डाली जाएगी, चाइना के उन मंसूबों को सैपोडाज किया जाएगा, ये है। और समुद्री रास्ते से वैसे ही चाइना को आगे बढ़ने नहीं देना, आपको मालूम है चाइना ने कितने बना लिए हुए हैं मसनू जजीरे वगैरह, तो उनको काउंटर करने के लिए ये समुद्री रास्ते से, ये गोया मैं कहना ये चाहता हूँ कि असल में फोकस कर रहा है अमेरिका चाइना को, और चाइना को हर रास्ते से उसका मुहासरा करके वो उसकी उस उभरती हुई और बढ़ती हुई ताकत को ख़त्म करना चाहता है या महदूद करना चाहता है, ये है उसका मकसद। और इस काम के लिए वो उसने इन चार मुल्कों का अस्करी इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद ने मालाबार में जंगी मशकें भी की हैं, और उसी मौका पर पाकिस्तान और चाइना ने भी जंगी मशकें की हैं, तो खित्ते में ये सूरत हाल बना रहा है, यानी वो जिसे कहते हैं ना वो जंग का शोला भरकाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं कि या तो जंग का शोला भरक जाए, और अगर ये जंग के शोला से बचना चाहते हैं तो हमारे मफादात के ताबे आ जाए, जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक चलें तो कोई जंग नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये अपने मफाद, अगर चाइना तजारत को बढ़ाएगा, अगर चाइना अपनी अस्करी कुव्वत को बढ़ाएगा, तो फिर हम यूं काउंटर, यानी चाइना को इस अंदाज में प्रेशराइज करके अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। जो बाइडन की एक टीम भी बकायदा गई है इन चारों मुल्कों में, खुद नहीं गया, उसकी अपनी टीम, चार सरबराहों की कॉन्फ्रेंस होना ही इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए एक इस तरह की कॉन्फ्रेंस की और बात होती है, और फिजिकल विजिट की और बात होती है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
कई फिजिकल विजिट्स के बाद सरबराहान मिलते हैं ना जनाब। जी, जी जी, तो ये एक बहुत ये, बड़ा इवेंट, दोनों बड़ी अहम है। शुमाली कोरिया के जो है सरबराह, उनकी हमशीरा ने एक बात की, वो उनकी बन रही हैं जानशीन शायद बन रही हैं, वो उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी उनके उनकी सियासी बसीरत की वहाँ बड़ी बातें हो रही उसकी हमशीरा की। तो उसने कहा है कि अमरीका यहाँ बाज आ जाए, अमरीका जो कर रहा है उससे मुझे बारूद की बू आ रही है, यानी वो अमेरिका के अजाइम बता रही है कि अमेरिका यहाँ जंग के शोले बरकाना चाहता है, अमेरिका इससे बाज आ जाए। और अमेरिका चाहता है कि उससे दूर दूर, अमेरिका से दूर दूर कुछ जंग के शोले जो है बरकते हैं तो बरक जाए, उसकी उसे परवाह नहीं है, उसे परवाह नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से क्या इनके? देखिए, बात ये है कि इस वक्त दुनिया जो सूरत हाल इख्तियार कर गई है, मुल्क की हैसियत तो कोई रही नहीं कि फलाम मुल्क से जंग करे, फलाम मुल्क फलाम, अब तो ये सब ये क्वाड है, इसके मुकाबले में पाकिस्तान चाइना है, रशिया है, इनका आपस में टर्की है, इसमें अब तो जो भी होगा ना, अब तो ग्रो, आप ये कह सके अब तो जिस तरह ग्रो नहीं लड़ते, अब तो मुल्कों के ग्रो लड़ेंगे, मुल्क नहीं लड़ेंगे। जो सूरत हाल आगे आ रही है, एक ग्रो ये बन, ग्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इत्तेहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, जो इत्तेहाद बने हैं ना दुनिया, अगर खुदा ना हास्ता जंग हुई तो वो वर्ल्ड वार वाली उस तरफ जाएगी, बड़ी मुश्किल है। देखिए, जंगी इत्तेहाद होंगे इस वक्त, जो जंग डिले हो रही है ना, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, गलती का इम्कान है कि ऐसी जंग की जाए जो इस खत्ते तक महदूद हो, इस खत्ते से आगे ना जाए। वो इस खत्ते के लोगों को क्या समझते हैं, वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया, इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी है ना, आधा इंडिया मर जाए, 75% इंडिया मर जाए, अमेरिका को कोई परवाह नहीं है। अमेरिका को कुछ अगर परवाह है तो यूरोप की है, अमेरिका को अगर कुछ परवाह है तो अपने अमेरिका की है किसी हद तक। और अभी तक जो जंग का मामला डिले होता चला जा रहा है वो यही है कि वो महदूद जंग चाहते हैं और महदूद जंग होती नज़र नहीं आती। ठीक साहब, ये बताइए कि दोहा मुआहदे के तहत ये तय पाया था कि तालिबान और अफगान हुकूमत जो है वो इंट्रा अफगान मुज़ाकरात जो हैं वो करेंगे, फरवरी 2020 से लेके आज तक इन दोनों ने कोई मुज़ाकरात किए हैं? अगर कोई किए हैं तो उसमें क्या काबिले ज़िक्र पेशरफ्त हुई है? देखिए वसीम साहब, फरवरी 2020 से लेके अब तक अगर हम देखें इंट्रा अफगान डायलॉग के हवाले से, दो या तीन राउंड्स ऐसे हैं जो सामने आए हैं, और बेसिकली अफगान तालिबान तो शुरू में इससे ही इसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए। उसकी सिंपल रीजंस, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि जो दोहा मायदा था उसकी ही शिक्के अमेरिका ने उनकी वायलेशन शुरू कर दी हुई थी। तो इंटर अफगान डायलॉग तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि अफगान तालिबान तो मानते ही नहीं अफगान कठपुतली हुकूमत को। बहरहाल बैठे, बातचीत हुई, जितने भी दो तीन राउंड हुए उनके अंदर एजेंडा भी तय नहीं हो सका कि मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा, आगे किस तरह ले कर चलना है। तो जैसा कि वहाँ पर एक पोलिटिकल एक्टर हैं, यानी पॉलिटिकल प्लेयर हैं वहाँ के, गुलबुद्दीन हिकमत यार साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म अफगानिस्तान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पॉलिटिकल प्लेयर हैं जी, वो अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान भी आए हुए थे जी जी। तो अकॉर्डिंग टू हिम इंट्रो अफगान डायलॉग इज डेड, यानी कि ये तो अब किसी सूरत में भी बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि इसकी कोई अहमियत भी हो, चाहे ब्लिंकन ने खत में जो मर्जी लिखा हो, चाहे अमेरिका ने जो मर्जी बातें की हो, वो और रीजंस हो सकती हैं। लेकिन गुलबुद्दीन हिकमत यार साहब ने भी अवामी हुकूमत की बात तो की है यहाँ जी। देखिए, सारे बात यही कर रहे हैं, इस्लामी हुकूमत तो रूस को भी काबिले कबूल नहीं होगी, चीन को भी काबिले कबूल नहीं होगी, बाकी तो किसी को भी काबिले कबूल हो ही नहीं ना सकती। अमेरिका तो चाहता ही नहीं है, और यूरोप भी नहीं चाहता, और इसराइल भी नहीं चाहता, और इंडिया भी नहीं चाहता। कोलिशन गवर्नमेंट के लिए सब हामी, कोलिशन गवर्नमेंट के लिए तो सब हामी है। अफगान तालिबान के जो मुतालबात है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मुतालबात में से एक दो जो थे वो एक थे ही है कि एक तो ये कि ट्रूप्स वापस जाए, फिर हम देख लेंगे खुद अफगान हुकूमत और जो भी यहाँ पे मौजूद है उनको, और क्या सिस्टम चलाना है। और दूसरा ये है कि इस्लामी इस निज़ाम हुकूमत को हमने दोबारा रिवाइव करना है, उनके लिए ये चीज़ काबिले कबूल नहीं है। बहरहाल जो इंटर अफगान डायलॉग वाली बात है वो तो लगता है कि इट इज़ बैरिड, ख़त्म हो चुकी है ये बात। अयूब बेग साहब, ये बताइए कि जैसे हम अमरीकी फ़ौजों के इनखला की बात कर रहे हैं, इनकेस वो दोहा मुआहदे की पासदारी करते हुए अफगानिस्तान से इनखला उनका हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि फिर तालिबान और अफगान हुकूमत मिल बैठ के को मुज़ाकरात करेंगे, और इन मुज़ाकरात के बाद अफगानिस्तान में अमन की गारंटी कौन देगा, और फिर इस खत्ते में जो प्रॉक्सीज काम कर रही हैं उनका क्या रोल होगा आपके ख्याल में? वसीम साहब, जब अफगानिस्तान और अमन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, तो मुझे करीबन निसफ सदी पहले कह सकता हूँ जब अमरीका ने वियतनाम पर हमला किया था, 40 या 50 साल के दरमियान बात है,
तो मुझे उस वक़्त के अखबार में एक कार्टून शाया हुआ था, वो याद आ जाता है कि जब आप अफगानिस्तान में अमन की बात करते हैं, वो कार्टून ये था कि दादा अपने पोते को उंगली पकड़ कर ले जा रहा है, ऊपर एक जहाज़ गुजर रहा है, तो पोता पूछता है दादा ये अमन किस चीज़ का नाम है, ये अमन क्या होता है, ये किस चीज़ का नाम है। यानी वो बच्चा जो पैदा हुआ था जंग हो रही थी, वो अब जवान हो रहा है जंग हो रही है। तो अफगानिस्तान का तो मामला इस तरह का ही लगता है कि वहाँ के बच्चे पूछेंगे ये अमन की क्या चीज़ होती है, कभी देखी सुनी नहीं, अमन किस चिड़िया का नाम, किस चिड़िया का नाम, ये कभी देखी सुनी। तो अफगानिस्तान का मामला तो मुझे ये नज़र आता है कि अफगानिस्तान में किसी सूरत अमन होता नज़र नहीं आता। देखें अगर अमेरिका वहाँ का फ़ौजों का इनखला हो जाता है तो अफगान हुकूमत जो है वो चंद दिनों ना सही चंद हफ्तों की मार है अफगान तालिबान के लिए। लेकिन अमेरिका जो है क्योंकि उसकी नीयत में ये बात नहीं है कि वहाँ अमन हो, लिहाजा वो वहाँ अमन नहीं होने देगा, बावजूद इसके कि अगर अफगान तालिबान शिकस्त दे भी दें उनको अफगानिस्तान हुकूमत की, तो वो इस तरह के हरबे अख्तियार करता रहेगा कि अमन अफगानिस्तान में अमन मुस्तकबिल करीब में बिल्कुल नज़र नहीं आता। देखिए उसकी वजह ये भी है ना कि अमरीका चला जाता है ऑफिशली, तो उसकी वो प्रॉक्सीज तो वहीं रहती हैं ना, और वो अमन होने देंगी, एक पर हमला करेंगी और बताएंगे तुम पर दूसरों ने हमला किया, फिर दूसरों पर हमला करेंगे और कहेंगे तुम्हें पहले पर हमला किया, और वो तो उनको लड़ाती रहेंगी, खून अफगानिस्तान में बहता रहेगा। यही मतमय नज़र है अमेरिका का, यही ख्वाहिश है अमेरिका की कि यहाँ खून बहता रहे, यहाँ डिस्टर्बेंस रहे, यहाँ कोई पुरअमन हुकूमत कायम ना हो सके। अगर वो चला भी जाएगा तो उसकी ये प्रॉक्सीज यहाँ से ख़त्म नहीं होंगी। ज़ौलक साहब कहा ये जा रहा है कि अफगानिस्तान में क्याम अमन के लिए जो इस खत्ते के अहम ममालिक हैं, पाकिस्तान है, भारत है, अफगानिस्तान समेत चाइना है, रूस है और ईरान है, इनके वज़राए खारजा का जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि अनकरीब एक इजलास होने वाला है, ऐसे इजलास की क्या इतलात है आपके पास वसीम साहब? एक तो जिस तरह के आपने जिक्र किया कि ये ब्लिंकन का जो लेटर है खत जो था उसमें भी इस चीज़ का जिक्र था कि ये वज़राए खारजा के लेवल पर इजलास करवाना चाहता है अमरीका। कैसे करवाना चाहता है, कहाँ करवाना चाहता है, अभी फ़िलहाल इसके बारे में उसने तो कम से कम अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। और ये बात भी क्लियर है जैसा आप भी जिक्र फरमा रहे थे कि ये अफगानिस्तान के सदारती महल की तरफ से ब्रेक हुई थी खबर जी, ये अमेरिका की तरफ से ब्रेक नहीं हुई थी। वो तो ओन ही नहीं कर रहे, ओन ही कर रहे थे। लेकिन अमेरिका ने उसके जवाब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है उसने ये कहा था कि हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, यानी कि उनके पास में वो यही कहते होते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में और वॉर लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेजेस में हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ऐसे नहीं मान लोगे तो ऐसे कर लेंगे हम। अच्छा, दो ममालिक का जिक्र आया, एक तो रूस ने पिछले दिनों रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने बेसिकली ये बात की कि लेवरोव जो है कि हम जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उसके हल के लिए एक फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर या एक हाई लेवल के ऊपर, सीनियर लेवल के ऊपर मुज़ाकरात करवा सकते हैं। अच्छा, रूस ने जो मुज़ाकरात की बात की उसमें अफगान तालिबान, अफगान हुकूमत, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, यूएसए ये सब मौजूद थे, इंडिया मौजूद नहीं था, इंडिया का नाम नहीं लिया। लेकिन इंडिया तो हर सूरत में इन होना चाहता है इस पूरे मामले में, इंडिया के मफादात अफगानिस्तान के साथ वाबस्ता हैं शुमाली इतिहाद की वजह से, और ये इंश्योर करने के लिए क्योंकि अमरीका ने बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में ये बात डाल दी हुई है कि अगर तुम इस खत्ते में अफगानिस्तान के मामले को अपनी चॉइस की हुकूमत के साथ हल नहीं करवाते, जो कि अमेरिका के चॉइस की हुकूमत भी होगी, तो यहाँ से लोग कश्मीर आ जाएंगे और कश्मीर आके जो है वो तुम्हारा तख्ता उलट देंगे कश्मीर वाला। तो बहरहाल ये एक उसने अमेरिका ने थ्रेट के तौर पे भी इंडिया के ऊपर ये तलवार एक लटकाई हुई है, ये बार बार वो उस चीज़ को बावर करवाते हैं। इंडिया खुद भी तो समझते हैं ना कि अगर तालिबान जो हैं वो अमेरिका जैसी कुव्वत को शिकस्त देंगे तो क्या उनके वो फिर हौसले बुलंद नहीं होंगे और फिर अफगानिस्तान में तो नहीं बैठे रहेंगे, वो तो फिर जहाँ मुजालम हो रहे होंगे, इंडिया जो है मुजालम कर रहा है तो उनकी मदद के लिए भी तो पहुंचेंगे, एक थ्रेट एक नेचुरल बनता तो है। यकीनन उसके ज़हन में ये है, हालांकि अफगान तालिबान की तरफ से अभी कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई, पॉलिसी है ना उन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इंडिया को बहरहाल फ्यूचर का थ्रेट नजर आता है और वो इन होना चाहता है इस पूरी गेम में। बेसिकली इंडिया अपने आप को फॉल्सली, मेरे ख्याल में तो गलत तरीके से ही, लेकिन इंडिया अपने ख्याल में समझता है कि मैं चाइना का हम पल्ला हूं, ठीक है, लेकिन इंडिया है नहीं वो। दूसरा मामला एक तो ये रशिया की बात होने से वो कहीं ऊपर समझता है और खत्ते की सुपर पावर समझता जी है। अपने आप को तो यही समझता है वो, लेकिन बहरहाल ये तो पिछले कुछ अरसे के वाकयात जो थे उन्होंने दिखाया कि इंडिया जो अभी बहुत पीछे है इस मामले में। हालिया जो जंगी झड़पें हुई हैं उससे
पोल खुल गया, पोल तो खुल गया सामने। दूसरी ऑफर जो इसी खत के अंदर जिक्र था एंकरा का, वो तो इंटर अफगान डायलॉग था, और जिस तरह के मैंने पहले भी जिक्र किया इस हवाले से, गलत भी हो सकती है ये बात, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि इंटर अफगान डायलॉग तो अब दोबारा इट इज डेड। तो एंकरा वाली, हालांकि जो टर्किश फॉरेन मिनिस्टर है उसने कहा है कि हम तैयार हैं होस्ट करने के लिए दुआ की बजाय, लेकिन अफगान तालिबान शायद इसके ऊपर अगर राजी हो भी जाएं तो वहां मुलाकात के बाद कोई नतायज निकलने वाले बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहे। तो बहरहाल इस बात का इख्तिताम तो मैं इसी नोट पे करूंगा कि अमेरिका तो बहरहाल चाहता यही है कि इस इलाके में किसी ना किसी तरह उसकी प्रेजेंस भी रहे और ये इलाका जंगो जदल में भी मुलव्वस रहे, यहाँ पे अमन मान ना आ सके, और उसके लिए वो मुख्तलिफ दाव पेच इस्तेमाल करता रहता है, उनमें एक दाव पेच ये भी है। ठीक, अयूब बेग साहब, जब हम इस सारी सूरत हाल को समअप करते हैं और ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो वो ये है कि एक साल गुजर चुका है दोहा मुआहदा हुए, उस पर हमें कोई अमली पेशरफ्त नज़र नहीं आती, बल्कि उसके उल्ट मामला चल रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जो है तालिबान की कार्रवाइयाँ, जंगी कार्रवाइयाँ जो हैं वो मज़ीद तेज़ हो चुकी हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है। इन हालात में आप अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? वसीम साहब, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल जो है ना, उसके देखने के दो अंदाज़ हैं। एक तो वो अंदाज़ है जो हमें इन सर की आँखों से नज़र आता है, जिसे हम ज़मीनी हकायक आमतौर पर कह देते हैं। तो ज़मीनी हकायक कह लीजिए, सर की आंखों से देखने वाली चीज़ कह लीजिए, उसके मुताबिक तो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो सुर्ख है। सुर्ख से मुराद क्या? खूनरेज़ी है, बेहतर नज़र आता है, कत्ल गारत है और कुछ नहीं है, और वहाँ डिस्टर्बेंस है और कोई स्टेबल हुकूमत नज़र नहीं आती हो जो नज़र आ रहा है। एक दूसरा वो है जिसे आप कह सकते हैं जो हमारे अकायद के हवाले से, क्योंकि हमारे सामने ऐसी अहादीस हैं जिनसे ये मालूम होता है कि जब इस्लाम का गलबा शुरू होगा तो यहाँ से कुछ फौजें जाएंगी, जो बहरहाल उनकी कोई डेट मुकर्रर करना या उनके बारे में कोई हतमी बात कहना मुश्किल है। आप कहना चाह रहे हैं कि ये खित्ता जो है इस्लाम के अहिया का नुक्ता आगाज बनेगा, नुक्ता आगाज बनेगा, बल्कि वो हेड ऑफिस बनेगा, वो मालूम होता है। उस सूरत हाल को अगर देखें, उस नुक्ता नज़र से देखें, तो यहाँ तमाम मुस्लिम दुश्मन कुवतों को शिकस्त होगी, तमाम ताहूती कुवतों को शिकस्त होगी। वह कुवत अमरीका हो या रूस हो, अमेरिका हो या चाइना, कोई हो, जितनी भी ताबूती कुवतें उनको शिकस्त होगी, और इस्लाम पहले यहाँ एक खत्ते में आएगा, फिर वो उसकी जो आगे पेशरफ दूसरी तरफ होगी। और हमें इस पर ज़्यादा इतकाद है कि इंशाल्लाह ऐसे हालात बनेंगे कि कोई ऐसी इस्लामी हुकूमत कायम होगी, और उसमें सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, कि इस सारे खित्ते में पहले कोई इस्लाम किस तरह आता है, कोई इनकलाब आता है, क्या होता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसका क्या तरीका होगा। तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, और खरासान जो है, वेस्ट पाकिस्तान सारे खरासान है एक लिहाज से देखा जाए तो, और अफगानिस्तान तो भी है, तो ये वो जगह है जिसके बारे में है एक पेशीन गोई कि यहाँ इस्लाम पहले आएगा और फिर यहाँ से एक आलमी गलबे की, इस्लाम की एक सूरत बनेगी। उस लिहाज से देखा जाए तो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक, यानी ये देखने में अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगी और बहुत बड़ा इवेंट होगा कि अशरों पर मुहित बदमनी फसाद जंग वाला ये खिता इतने ज़्यादा शर में से एक इतना बड़ा खैर बरामद होगा जिसके समरात पूरी दुनिया देखेगी, तो ये एक छोटा इवेंट तो नहीं होगा जी। इसके लिए आपने अचीवमेंट का, ये छोटे अचीवमेंट नहीं, मेरे पास तो डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ नहीं है कि इसको क्या कहा जाए, क्या होगा, कितनी बड़ी ये फतह होगी, कितनी बड़ी ये कामयाबी होगी, ये डिवाइन प्लान का, ये डिवाइन प्लान का हिस्सा ही होगा। ठीक, अल्लाह करे आपकी ज़ुबान मुबारक करे और हम अपनी, हम और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इन हालात का मुशाहदा कर सकें और देख सकें। अयूब बेग साहब, जनाब रज़ाउल्लाह साहब, प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, आज के लिए इतना ही। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर इस प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।